मैं हूं अभिमन्यु। कार्यक्रम के तारतम्य में आज जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया जिला निवाड़ी की महिला व बच्चों को जागरूक करने के लिए अपील की। आपको बता दें कि मैं हूं अभिमन्यु कार्यक्रम 3 से 12 अक्टूबर तक संपूर्ण जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें महिला एवं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के संबंध में जागरूकता पैदा करना व महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम व उनके लिए बने कानून जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, डायल 100, चाइल्ड लाइन नंबर 1098 आदि का प्रचार प्रसार करने की अपील की है। साथ ही पूर्व महिला अपराधियों को चिन्हित कर उनकी चेकिंग की जा रही है, ताकि महिला संबंधी अपराधों को पूर्व में ही रोका जा सके। आज इसी अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक जिला निवाड़ी राय सिंह नरवरिया ने बताया कि जिले में लगभग 1172 अपराधियों में से 600 अपराधियों की चेकिंग की जा रही है, ताकि इस अभियान का संदेश घर घर तक पहुंच सके। NV17 न्यूज से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जिला निवाड़ी में 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कॉलेज, स्कूल और छात्रावास, दुर्गा जी की जहाँ प्रतिमाएँ बैठी हैं और हमारे जो मंदिर हैं उनके आसपास सभी जगह जो लड़के हैं उनको, जो सबको, बच्चियों को, सबको जागरूकता अभियान के बारे में बताया जा रहा है। जगह जगह रैलियां करके, संवाद करके इसके महिला जागरूकता के संबंध में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारी हेल्पलाइन है डायल 100 और महिला हेल्पलाइन की 1099, चाइल्ड हेल्पलाइन की नंबर 1098 पर भी लोग कॉल करें, इसके संबंध में बताया जा रहा है। और आगामी त्यौहार जिसमें नवदुर्गा के समय जो गरबा और दुर्गा जी की जो आरती वगैरह रहती है, इसके अलावा माताएं बहनें उसमें मंदिरों पर जाती हैं, तो उस समय भी जो है महिला सुरक्षा को लेकर के हमारी पूरी महिला विंग, महिला थाना प्रभारी और HDP और महिला हमारी एडिशनल SP हैं, वो सब जो है सभी क्षेत्रों में जा के इनको जागृत कर रही हैं। और महिला संबंधी कोई अपराध ना हो इसके लिए महिला बल भी हमारा निरंतर अपनी गाड़ियों से पेट्रोलिंग कर रहा है और इनकी जो मंचले हैं उनकी स्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर ऐसी जो हमारी पुराने जो अपराधी हैं इनके विरुद्ध भी हमने कार्रवाई अभी की जा रही है, जिसमें लगभग 1172 जो जिले के आरोपी हैं उनमें से करीबन 600 लगभग जो आरोपी हैं उनको हमने पूछताछ किया है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। और शेष बचे आरोपी हैं उन पर प्रतिदिन जो इनके विरुद्ध पूछताछ करके और उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, ताकि कोई भविष्य में ये महिला संबंधी अपराध घटित न करें।